हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन बीएनडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो फाइलम पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, और नेक्स्ट फाइलम हमारा है आर्थोपोडा। तो आइए आर्थोपोडा के बारे में बात करते हैं। आर्थोपोडा 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 इस वर्ड में दो बातें हैं। क्या क्या हैं दो बातें? ये दो शब्द हैं, एक तो है आर्थोज या आर्थ्रोज और एक है पोडोज। आर्थ्रोज और पोडोज, आर्थ्रोज का मतलब है जॉइंटेड, जॉइंटेड, और पोडोज का मतलब है फुट, या मैं इसको अपेंडेजेस भी बोल सकता हूं। मींस संयुक्त रूप से क्या बोला जाएगा? संधि युक्त उपांग, या जॉइंटेड फुट या जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब वे प्राणी, आर्थ्रोपोडा में किनको रखा गया है? वे प्राणी जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो जॉइंटेड मतलब संधि युक्त, और फुट मतलब पाद या उपांग भी लिख सकता हूं मैं, उपांग। इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूं? संधि युक्त उपांग वाले जीव, संधि युक्त उपांग वाले जीव किसमें रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। क्लियर? ये तो इस फाइलम के नाम से संबंधित पॉइंट हुआ। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में, या इस फाइलम को जो नाम दिया था वो नाम था वान सी बोल्ड। ये नाम याद रखना है हमें, वान सी बोल्ड। और ये कब की बात है? 1845, मतलब 1845 की। कब की बात है? 1845 की। क्लियर है? इसमें, इस फाइलम में लगभग लगभग 9 लाख से भी अधिक जातियां पाई जाती हैं, से भी अधिक जातियां पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 9 लाख से भी अधिक जातियां किसमें? आर्थोपोडा फाइलम में पाई जाती है। इस आर्थोपोडा फाइलम को सबसे बड़ा संघ माना जाता है इसी कारण। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे बड़ा संघ है कौन? आर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ, लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन है? आर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ किसे कहा जाता है? आर्थोपोडा को कहा जाता है। दूसरा भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें, मोलस्का है, लेकिन सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 2/3 जातियों को शामिल किया जाता है, और वो 2/3 कितनी है? मैंने आपको बताया कि 9 लाख से भी अधिक रिपोर्ट की गई हैं, इसलिए इसे सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। ये जीव अगर हम देखें तो ये जीव सभी प्रकार के आवास, ये जीव ये जीव सभी प्रकार के आवास, सभी प्रकार के आवास से क्या मतलब है? जल, थल, वायु। क्लियर है? सभी प्रकार के आवास जैसे जल, थल तथा वायु में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। अब इसके हम फीचर्स, कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके कैरेक्टर्स के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से वो ही चीज़ या वो ही बात रिकॉल करवाऊंगा कि जब मैंने फाइलम स्टार्ट किए थे तो एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में
आर्थोपोडा की क्या लोकेशन है, आर्थोपोडा आपने किस जगह लिख रखा है, किस जगह इसे लोकेट कर रखा है, वो जगह अगर आपको याद है तो ऊपर से हम उसी क्रम में आएंगे। देखिए आप, क्या अब ये छोटी छोटी बातें तो लिखना बिल्कुल स्तर की बात नहीं है कि मैं कहूँ ये बहुकोश की है, लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं कि मल्टी सेलुलर है। हम एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर से उसको पिकअप करते हैं। स्टैंडर्ड कैरेक्टर क्या है कि ये त्रिस्तरीय जीव है, त्रिस्तरीय जीव हैं। क्या है ये? त्रिस्तरीय जीव हैं। आगे देखते हैं ये कैसे प्राणी हैं, यू सीलोमेट। कैसे प्राणी हैं ये? यू सीलो मेट। यू सीलोमेट आपको याद होगा अर्थात वास्तविक, वास्तविक देह गुहीय प्राणी, या मैं कहूं वास्तविक देह गुहा उपस्थित। क्लियर है? शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हम इसका देखें, शारीरिक संगठन कैसा मिलेगा इसका? इसका शारीरिक संगठन आपको देखने को मिलेगा अंग तंत्र स्तर का। कैसा देखने को मिलेगा? अंग तंत्र स्तर का। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अगर वो चार्ट याद है तो ये लेवल हमें स्वतः ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो त्रिस्तरीय प्राणी क्यों है ये उस जगह बता रखा है। त्रिस्तरीय मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यूसिलोमेट मतलब आपको बता रखा है जब जो बॉडी सिलोम होती है, देह गुहा होती है, मीजोडर्म से लाइंड अप है, स्तरित है, अस्तरित है, तो उन्हें वास्तविक देह गुहीय प्राणी कहते हैं। शारीरिक संगठन यहाँ पर किस प्रकार का मिलेगा? अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन किस में देखने को मिलेगा? ऑर्थोपोडेंस में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में बात करें कि इनमें जो सबसे पहले श्वसन की बात करते हैं, श्वसन किससे होता है? देखिए मैंने आपको शुरुआती वक्त से फाइलम पढ़ाते वक्त एक बात बताई है कि जितने भी फाइलम आप पढ़ रहे हैं ये सारे कैरेक्टर जो अभी तक मैंने ऊपर बात की हैं वो सारे कॉमन हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी कुछ कॉमन है, याद हो जाएंगे। अगर फाइलम से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गांठ बांध के रख लीजिए, 95% चांसेस जो बनते हैं वो रेस्पिरेशन, आई मीन श्वसन, उत्सर्जन, लार्वा स्टेज, इनसे रिलेटेड पॉइंट बनते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो श्वसन किस तरीके से देखने को मिलेगा? श्वसन इनमें देखने को मिल सकता है गिल्स के द्वारा, गिल्स, बुक गिल्स, बुक गिल्स है, ध्यान रखिएगा। ये किस में देखने को मिलता है? अभी इनको क्लासिफाइड करेंगे तब देख लेंगे। बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, बुक लंग्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया आदि के द्वारा। क्लियर हो गई ये बात? तो श्वसन गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रैकिया है, आदि के द्वारा देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, अब जब श्वसन की बात कर ली हमने तो अब इसी से रिलेटेड बात कर ले हैं उत्सर्जन की। ये जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सभी की बात करेंगे, परिसंचरण कैसा है। बात करते हैं अब किसकी? उत्सर्जन की। उत्सर्जन किस तरह से देखने को मिलता है? तो उत्सर्जन जो आपको देखने को मिलेगा वो ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा देखने को मिलेगा, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा। कॉक्सल ग्रंथियां, कॉक्सल, कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा, तथा जो सबसे फेवरेट नाम आपको याद होगा, आपने पढ़ रखा है, मेल्पिगियन नलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा क्या देखने को मिलेगा आपको? उत्सर्जन देखने को मिलेगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। क्लियर है?
आगे देखते हैं, परिसंचरण देखें, परिसंचरण। तो परिसंचरण किस प्रकार का देखने को मिलेगा? परिसंचरण इनमें देखने को मिलेगा आपको खुले प्रकार का। किस प्रकार का? खुले प्रकार का। किस प्रकार का मिलेगा? खुले प्रकार का। अभी खुले प्रकार से मतलब क्या है? खुले प्रकार से मतलब है कि जो इनमें अंतरांग होते हैं, अंदर जो अंग होते हैं, वो बॉडी सिलोम से कवर्ड होते हैं, मतलब देहगुहा से कवर्ड होते हैं, और उस देहगुहा में रक्त भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं? देहगुहा में, या मैं कहूं अंतरांगों के चारों ओर उपस्थित देह गुहा में रुधिर भरा हुआ होता है, रुधिर भरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, जिसे हीमोसील, उस गुहा को क्या कहते हैं उस समय? हीमोसील कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। अब हीमोसील आ गई तो यहां पर क्या कहेंगे? क्या इनके रुधिर में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है? देखिए, हां भी और नहीं भी। कैसे? देखिए, श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? रुधिर में। तो श्वसन वर्णक की क्या स्थिति है इधर ऑर्थोपोडा में? तो श्वसन वर्णक होता है अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। क्लियर? लेकिन हीमोसाइनिन नाम का एक वर्णक आपको देखने को मिलेगा। हीमोसाइनिन नामक वर्णक उपस्थित। क्लियर? अब हीमोसाइनिन वर्णक मिल गया, इनका रुधिर कैसा होता है सामान्यतः? क्योंकि कुछ में मिलता है, वो किस में मिलेगा भी चेक कर लेंगे हम। प्रोन में देखने को मिलेगा हीमोसाइनिन। तो रुधिर जो होता है वो रुधिर कैसा होगा? रुधिर रंगहीन होता है। देखिए, इसी तरह की बातें प्रश्न में पूछी जाने लायक हैं और पूछी जाती हैं। रुधिर रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। ये याद रखिएगा आप, हीमोलिम्फ कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं इसी में। आगे क्या बच गया? अब उसमें देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका तंत्रिका तंत्र वाला लेवल क्या है। कोई खास बात नहीं, क्योंकि पढ़ चुके हम। क्या आपको देखने को मिलेगा? क्या अगर तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूं, तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो तंत्रिका तंत्र में आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहली बात, तंत्रिका वलय यानी कि नर्व रिंग, तंत्रिका वलय प्लस नर्व कोड यानी कि, और वो भी कैसा? वेंट्रल अधर तंत्रिका रज्जु। कैसा देखने को मिलेगा? अधर तंत्रिका रज्जु। क्लियर? जितने भी सिस्टम है सबके बारे में बात कीजिए आप। आगे देखते हैं, इसके बाद में आता है इनका पाचन तंत्र, या मैं कहूं पाचन नाल। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा ऐसा फाइलम है, मतलब यहां पर पूर्ण पाचन नाल, पूर्ण पाचन नाल कैसे मिलेगी आपको? पूर्ण पाचन नाल, भोजन के रूप में ऑलमोस्ट ये सब खा सकते हैं। पूर्ण पाचन नाल उपस्थित, सभी प्रकार का आहार ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है।
तो हमने पाचन तंत्र की बात की, हमने उत्सर्जन की बात की, हमने श्वसन की बात की। उत्सर्जन में भी अगर आप ये देखें भाई, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है ठीक है, लेकिन उत्सर्जन के आधार पर ये किस प्रकार के हैं उनको देख ले, देखते हैं अभी। देखें मुख्यतः अगर आप इनको देखेंगे तो आपको यूरिक अम्ल देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि हमने पहले कहा है कि ये सभी प्रकार के आवास में मिलते हैं, यानी कि जल में भी मिलेंगे, तो जल में थोड़ी देखने को मिलेगा। जल में जो जलीय जीव होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोडेंस होते हैं, उनमें अमोनिया का उत्सर्जन होगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या अमोनिया का उत्सर्जन, ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों आ गई, हमें आर्थ्रोपोडा के कुछ एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे और याद भी हो जाएंगे, जब हम बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे कि इट इज़ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। अगर उस मेंबर का नाम दे के पूछा जाए कि निम्न में से ये किस प्रकार का उत्सर्जन करता है, तब वहाँ पर ये दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इतना सा भी याद कर लीजिए कि जलीय जीवों में ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और जलीय में अमोनिया ही देखने को मिलती है, कॉमन सेंस की बात है। बस इस नॉलेज को हमें वहाँ पर लिंक करना पड़ेगा कि जो गिवन एग्जाम्पल है वो एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोडेंस है, जलीय आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बात कर ली। अब शारीरिक संगठन की बात हमने की, शरीर को अगर हम देखें, खास बात नहीं है, आपको पता है शरीर किस में बटा रहता है, शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभेदित, तथा उदर में विभेदित, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया और एब्डोमन हो गया, ये तीन तो हो गए में विभक्त या विभेदित। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, कई बार क्या होता है एक वर्ड आता है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसोमा, और वो भी प्रोसोमा नॉट सिरोवक्ष, कभी या मैं कहूं कुछ में, कुछ जीवों में, कुछ जीवों में सिर तथा वक्ष, सिर तथा वक्ष जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जुड़े इसका मतलब नहीं है कि इसमें अलग अलग होते हैं, इनमें भी कनेक्टेड है, लेकिन इनमें आसानी से डिफरेंस नहीं किया जा सकता, इतने क्लोजली कंबाइंड होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं, सिर तथा वक्ष जुड़े हुए होते हैं। तो इसे प्रोसोमा कहते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोसोमा। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोसोमा, हिंदी वाला वर्ड तो आसान है, सिरोवक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे सिरोवक्ष कहते हैं, लेकिन वर्ड कौन सा है, प्रोसोमा। अब सिंपल देखो, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रोसोमा से तात्पर्य है कोई दूर दूर तक भी नीचे जो लिखा रहेगा उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। वर्ड की इंपॉर्टेंस देखिए आप, शब्द की महत्ता देखिए, जबकि बहुत सिंपल सी बात है, सिर और वक्ष जब क्लोजली कंबाइंड होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, इन दैट केस उसे क्या कहा जाता है, प्रोसोमा या सिरोवक्ष कहा जाता है। लेकिन हमें सिरोवक्ष दे दिया जाए तो इस प्रश्न को करना बेहद आसान है, लेकिन प्रोसोमा देते ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वर्ड की महत्ता देखिए, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो कुछ आपने वर्ड्स पढ़ रखे हैं, शब्द सुन रखे हैं, पहले भी पढ़ रखे हैं, क्या क्या देखिए, जैसे सरल नेत्र, इनमें मिलते हैं, पता है, सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र और स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, तथा गुदालूम, कभी कॉकरोच का, ये तो आपने सुन रखे होंगे मुझे पता है, गुदालूम बताऊं आपको, कभी कॉकरोच का डायग्राम अगर आपने बनाया ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें गुदालूम आपको देखने को मिलेगा, गुदालूम आदि संवेदांग उपस्थित, क्या है ये, संवेदांग उपस्थित, तो मैंने इसी संदर्भ में आपको बताया, संवेदांग उपस्थित, क्लियर। और इन प्राणियों का शरीर,
इन प्राणियों का शरीर, या इन प्राणियों में, यूं लिख लें हम, इन प्राणियों में बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, बना होता है। देखिए, अभी तक हमने शारीरिक संगठन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, पाचन है, तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, सबके बारे में बात किया, अर्थोपोडा के बारे में। अब आगे और 2-5 बिंदु बचे हैं, देख लेते हैं उनको भी, देखिए क्या क्या है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इनमें किसकी, निषेचन की। निषेचन कैसा मिलेगा आप खुद सोचिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बाकी फीचर्स देखकर हमें पता लग जाता है, निषेचन इनमें 100% क्या देखने को मिलेगा, आंतरिक। तो आंतरिक प्रकार का, कैसा, आंतरिक प्रकार का। लेकिन यहां पर भी अपवाद है, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडेंस हैं, जो जलीय आर्थ्रोपोडा जीव हैं, वहां पर भाई ये निषेचन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जलीय जीवों में बाह्य निषेचन भी देखने को मिलता है, बाह्य निषेचन भी, या बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये कैसे प्राणी है, ये एकलिंगी प्राणी है। कैसे प्राणी है, एकलिंगी, समझ गए होंगे आप, एकलिंगी प्राणी। नेक्स्ट, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है इनमें, लैंगिक द्विरूपिता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपिता पाई जाती है। नेक्स्ट, परिवर्धन की बात करें, परिवर्धन तो प्रत्यक्ष भी मिलता है और अप्रत्यक्ष भी मिलता है, यानी कि कुछ जीवों में प्रत्यक्ष और कुछ में अप्रत्यक्ष, दोनों का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। परिवर्धन किस प्रकार का, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवार का प्रकार का। प्रत्यक्ष तो कैसा होगा, प्रत्यक्ष जिसमें कोई लार्वा स्टेज उपस्थित नहीं होगी, जबकि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा, जिसमें कोई लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट मिलेगा, जिनमें लार्वा नहीं पाया जाएगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वा मिलेगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। एक चीज आप लिख सकते हैं यहां पर, अधिकांश जो जीव होते हैं, ये अधिकांश अधिकांश जीव अंडज होते हैं। कैसे होते हैं, अंडज, ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। इनमें काइटिन मिला, पंख इनमें देखने को मिलेंगे, मोस्टली में पंख देखने को मिलेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स जितने भी हम पढ़ते हैं, और जॉइंटेड अपेंडिसेस है, मैंने फर्स्ट बिंदु ये बताया है, 3 बिंदु इंपॉर्टेंट हो गए, काइटिन, काइटिन का आई मीन बाह्य कंकाल, संयुक्त उपांग और पंख की उपस्थिति। मोस्टली पंख पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट में देखेंगे तो पंख मिलेंगे, उसमें पंख वेन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली पंख भी, पंख युक्त आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मक्खी है, मच्छर है, अच्छे तरीके से जानते हैं इनको। तो ये 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन्हें क्या बनाते हैं, सफल स्थलीय जीव बनाते हैं। मतलब अगर हम नॉन कोर्डेट्स में जितने भी फाइलम हमने बात की है, चाहे प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सेलेंट्रिटा हो, टीनोफेरा हो, प्लेटे हेलमेंथीज हो, निमेटे हेलमेंथीज हो, उसके बाद में हमने एनेलिडा की बात की, और अब ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा पढ़ेंगे। नॉन कोर्डेट्स की बात कर रहा हूँ, अकशेरुक प्राणियों की बात कर रहा हूँ।
इस पूरे नॉन कॉर्डेट्स में सबसे जो सफल जीव माने जाते हैं या जो सबसे सफलतम प्राणी हैं वो ऑर्थोपोडेंस को माना जाता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? क्यों माने जाते हैं? क्योंकि काइटिन का बाह्य कंकाल इनमें देखने को मिलता है, पंख हैं और संधियुक्त तो पंख पाए जाते हैं। ये नहीं क्या बनाते हैं, अकशेरुक प्राणियों में सबसे सफलतम प्राणी बनाते हैं। तो अगर पूछा जाइए कभी कि निम्न में से कौन से संघ के प्राणी सफल प्राणी माने जाते हैं, अकशेरुक लिखता ही नहीं है वो, तो ऐसी स्थिति में आर्थोपोडा है। और अगर ऊपर अकशेरुक लिखता है, चारों एग्जाम्पल अकशेरुक के हैं, तो आसान हो जाता है, प्रश्न घुमा कर नहीं आया है। तो ये चीज़ हमारी किसके हो गई, ये हमने आर्थोपोडा के बारे में बात की। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए आर्थोपोडा है, आर्थोपोडा जो शब्द है उसमें दो हम भागों में उसे बांट सकते हैं, आर्थ्रोज और पोडोज। आर्थ्रोज का मतलब जॉइंटेड, मतलब संधियुक्त, पोडोज का मतलब फुट। पोडोज की जगह आपको अपेंडेजिस, जिसे हिंदी में उपांग कहते हैं, भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन शॉर्ट दोनों को जोड़ने से आता है संधियुक्त उपांग या संधियुक्त पाद। वे प्राणी जिनमें उपांग जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, संधियुक्त होते हैं, उन सभी प्राणियों को आर्थोपोडा संघ में रखा जाता है। इसके बारे में या इसको नॉलेज में जो लेके आए थे, सबसे पहले 1845 में वान सीबोल्ड लाए थे। ये सबसे बड़ा संघ है अकशेरुक प्राणियों का। इसमें 900,000 से भी अधिक जातियां शामिल की गई हैं, मतलब लगभग 2/3 से भी अधिक जातियां इसमें शामिल की गई हैं। इसके कॉमन कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको पता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है उसमें अगर आते हैं तो हमें पता है ये मल्टी सेलुलर है, इनमें ये सुविकसित प्राणी में शामिल किए जाते हैं, ये त्रिस्तरीय प्राणी हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इनके एक एक उसकी बात करते हैं। देखिए सारी बातें हो गई, शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का है, ये बात हम कर चुके हैं। अब हम इसके श्वसन, उत्सर्जन, शरीर परिसंचरण तंत्र, पाचन, इनके बारे में बात करते हैं। श्वसन, मैंने सबसे पहले श्वसन और उत्सर्जन को इसीलिए लिया है क्योंकि ये ही प्रश्न बनने लायक पॉइंट है। तो श्वसन किससे देखने को मिलेगा? श्वसन आपको गिल्स से, बुक गिल्स से, बुक लंग्स से देखने को मिलेगा, ट्रैकिया से। उत्सर्जन की बात करते हैं तो कॉक्सल है, कॉक्सल ग्लैंड्स हैं, कॉक्सल ग्रंथियां हैं, ग्रीन ग्रंथियां हैं, मेल्पिगियन नलिकाएं हैं, इनसे आपको देखने को मिलेगा। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, जो अंतरांग होते हैं वो सिलोम से कवर्ड होते हैं और उस सिलोम में देह गुहा में ब्लड फिलअप होता है, रुधिर भरा हुआ रहता है, उसे गुहा को हीमोसील कहते हैं। और इसमें जो रुधिर पाया जाता है इसमें कोई श्वसन वर्णक नहीं होता, रंगहीन द्रव होता है, इसलिए रंगहीन रुधिर को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। कुछ प्राणियों में एक वर्णक मिलता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, जैसे कि प्रोन में देखने को मिलेगा, जब हम इसे आगे क्लासिफाइड करेंगे तब आपको वो भी मिल जाएगा, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। तो वर्णक है भी और नहीं भी, अगर प्रोन के संदर्भ में पूछा जाता है तो हीमोसाइनिन, ओवरऑल पूछा जाता है तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट। आगे चलते हैं, वर्णक उपस्थित हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद में ये बता दिया मैंने आपको, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका वलय यानी कि नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड यानी कि इधर तंत्रिका रज्जु दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, तंत्रिका तंत्र बनाती है। किसमें? आर्थोपोडा फाइलम में। पाचन नाल पूर्ण पाई जाती है, सभी प्रकार का भोजन ये ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। शरीर जो इनका होता है सिर, वक्ष तथा उदर में बटा हुआ रहता है। वो सेगमेंट्स की बात, सेगमेंट खंडन पाया जाता है इनमें, आपको ये पता होना चाहिए। सेगमेंट्स हम केवल स्पेशल रेफरेंस में चलते हैं, तब एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान में स्पेशली इंसेक्टा में देखते हैं। अभी सिर, वक्ष तथा उदर में बटे हुए हैं, सिर तथा वक्ष कभी कभी जुड़ा हुआ रहता है, क्लोजली बाइंड रहता है, उस स्थिति में इसे प्रोसोमा या सिरोवक्ष भी कहा जाता है। तो प्रोसोमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। कुछ संवेदांग सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसमें सिंपल आइज हैं, कंपाउंड आइज हैं, सरल नेत्र हैं, संयुक्त नेत्र हैं, स्टैटोसिस्ट हैं और आपके गुदालूम हैं, ये संवेदांग में शामिल किए जाने वाले अंग हैं। इन प्राणियों में बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, निषेचन मोस्टली आंतरिक प्रकार का ही होता है, लेकिन कुछ जलीय जीव जो होते हैं उनमें बाह्य प्रकार का निषेचन भी आपको देखने को मिलेगा। परिवर्धन अगर हम देखते हैं तो परिवर्धन दोनों प्रकार का देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष भी मिलता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी मिलता है। प्रत्यक्ष मतलब लार्वा अवस्था अनुपस्थित, अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित।
मोस्टली जो ये एनिमल्स होते हैं वो अंडज प्रकार के होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। इन प्राणियों को अगर देखें तो एकलिंगी यूनिसेक्सुअल यानी कि नर तथा मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। इनमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता, मतलब मैं कहूँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। ये बात हमने किसकी कर ली? आर्थ्रोपोडा के सभी कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर ली। इसके बाद में एक तो इनके मुखांग, एक इनके संदिग्ध उपांग, इनके आधार पर दो वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? स्टोरर, स्टोरर तथा यू सिंगर ने आर्थ्रोपोडा संघ को, आर्थ्रोपोडा संघ को छह उपसंघों में उपसंघ से मतलब है सब फाइलम में बांटा या विभेदित किया। किसने किया? स्टोरर तथा यू सिंगर ने। वर्ड देखिए आप, सब फाइलम लिखा है मैंने, मतलब उपसंघ। कई बार आपने टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है और इतना सा आप जानते हैं कि अनिवार्य या अविकल्पी स्तर कौन से होते हैं या पद कौन से होते हैं। जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है या लीनियस हायरार्की है, लीनियस पदानुक्रम है, और एक होते हैं विकल्पी जो आवश्यकता पड़ने पर काम में लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा, एक सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं यहां पर, जैसे ये फाइलम है, अगर इसके ऊपर इससे विभेदित किया जाएगा तो इसे बोला जाएगा सुपर फाइलम, और अगर इससे नीचे बांटा जाएगा तो इसे बोला जाएगा सब फाइलम। इतना सा आप याद रखिएगा, ये सब पे एप्लीकेबल है, सब पे लागू होता है। सब फाइलम आपने सुना है ये नाम, इसलिए बता रहा हूं। कई बार आप सुनते होंगे क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास का मतलब कि क्लास से ऊपर का जो लेवल है वो सुपर क्लास है। डिटेल्ड बात हम टैक्सोनॉमी में ही करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं जब छह सब फाइलम लिखने, मैं आपको बताऊँगा एक चार्ट के थ्रू छह सब फाइलम, तो बच्चे फ्लो फ्लो में क्या करते हैं, छह वर्ग याद कर लेते हैं, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। छह क्लास याद कर लेते हैं, छह क्लास होती। और सिंपल सा प्रश्न क्या पूछे एग्जामिनर, सिंपल सा प्रश्न ये पूछे, निम्न में से आर्थ्रोपोडा की क्लास है या नहीं, निम्न में से आर्थ्रोपोडा का उपसंग है या नहीं, तो वहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि जो प्रश्न आएगा वो बहुत आसान होगा, बस कमी हमारी नजरों में रहेगी, हम देख नहीं पाएंगे। किताब में है, नोट्स में है, वीडियो में आपने देखा, लेकिन हम उस चीज को डीप में लेकर ही नहीं जाते। अब ये फ्लो फ्लो में अगर मैंने छह उपसंग है, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस छह उपसंग वाले से मैं एक प्रश्न बनाकर आपको दूं तो काफी बच्चे उसको गलत कर देंगे। ऐसा नहीं उनको आता नहीं, आता है, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए मैंने आपको स्पेशली नोटिस करवाया कि छह उपसंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघ को जैसे ही बांटता हूं ना तो बच्चों के दिमाग में आती है क्लास आ गई, अब वर्ग आ गई, क्लास नहीं आई है, अभी फाइलम ही है। लेकिन वो कैसे हैं? सब फाइलम हैं। तो आप देखिए एक चार्ट के थ्रू देखते हैं, हम कोई खास बात है नहीं, जो बातें हमने अभी अभी पढ़ी हैं उन्हीं को हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। बस छह नाम आपको याद रखने हैं, ये बात जरूर है। तो आइए, किसने आर्थ्रोपोडा को, स्टोरर और यू सिंगर ने, छह सब फाइलम में, ये हैं क्या? आप यहां पर लिख लीजिए ये क्या है, सब फाइलम है, ये सारे के सारे क्या हैं? सब फाइलम अर्थात उपसंग हैं, क्लास नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर? कौन कौन से हैं? ट्राइलोबाइटा, पहला उपसंग कौन सा है? ट्राइलोबाइटा। दूसरा कौन है? चैलिसेरेटा, कुछ किताबों में या कुछ लोग प्रोनंसिएशन में से कैलिसेरेटा भी बोल देते हैं, सिर्फ उच्चारण का अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। तीसरा है मैंडिबुलेटा, काफी फेमस है, खूब नाम आपने सुना है, मैंडिबल्स पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं,
मुखांग का ही प्रकार है मैंडिबल्स, तो मैंडिबुलेटा या जिसे एंडीनेटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नॉर्मली या कॉमनली लोग बच्चे मैंडिबुलेटा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पेंटोस्टोमीडा, टार्डिग्रेडा, टार्डिग्रेडा है ये, टार्डिग्रेडा, और ये ओनाइकोफोरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे क्या हैं, उपसंग हैं, सब फाइलम। अब इनमें छोटे छोटे उपसंग हैं, उनको इसी स्लाइड में देखते हैं, बाकी जैसे मैंडिबुलेटा है काफ़ी बड़ा है उसको हम अलग से देखेंगे। तो कौन कौन से हैं, 4 ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं। देखिए सबसे पहला है ट्राइलोबाइटा, ये जल्दी से नहीं याद रखना पड़ता। क्यों याद नहीं रखना पड़ता, कि जितने भी एनिमल्स इसके हैं, आई मीन इसके मेंबर हैं, वो सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं। देखिए समुद्री जीव हैं, कैसे हैं, समुद्री जीव, और हमने लिखा विलुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल है ट्राईआर्थस, क्या है, ट्राईआर्थस, ट्राईआर्थस काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइटा का। और दूसरा है डेलिमिनेटिस और एग्लोस्टस, आप ट्राईआर्थस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ट्राईआर्थस साउंड्स लाइक ट्राइलोबाइटा, काफ़ी सिमिलर है तो याद रह जाएगा। दूसरा हम लेते हैं पेंटोस्टोमीडा, स्तनधारियों में या स्तनधारियों के ट्रैकिया में अंतः परिजीवी, कहाँ मिलता है ये, ट्रैकिया, श्वसन नाल में, ये एंडो पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, कि इनमें मेमल्स में, कौन, पेंटोस्टोमीडा, सब फाइलम के जो मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, किसमें देखने को मिल सकते हैं, ट्रैकिया में देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न सिंपल सा बनता है, निम्न में से किस उपसंघ के प्राणी स्तनधारियों की श्वसन नाल में अंतः परिजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो पेंटोस्टोमीडा सब फाइलम। एग्जाम्पल आपके सामने है लिंगेटिला, श्रृंगिकाओं और गमनांगों का अभाव होता है, श्रृंगिकाओं से मतलब है एंटीना, और गमनांग मतलब जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, गमन करने के लिए जो अंग चाहिए वो इनमें नहीं पाए जाते, किसमें, पेंटोस्टोमीडा में। तो हमने दो उपसंघ के बाद में बारे में बात की, ट्राइलोबाइटा और पेंटोस्टोमीडा, छोटे छोटे हैं, दो दो बातें याद रखनी, यंत्र पर जीव एक इसमें ट्रैकिया में, किसकी, मैमल्स की में, और वो विलुप्त हो चुके हैं, और एग्जाम्पल ट्राईआर्थस आपको याद रखना है। तीसरा है टार्डिग्रेडा, एकाइनिस्कस इसका एग्जाम्पल है, और कोई बात आपको याद रखनी नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ 6 उपसंघ के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस जगह आपको मेंबर भी याद करने रहेंगे मैं खुद रिकॉल करवाऊंगा आपको। और ओनाइकोफोरा, चौथा छोटा उपसंघ जो है वो कौन सा है, ओनाइकोफोरा। स्थलीय जीव कृमि के समान होते हैं, स्थल मतलब टेरेस्ट्रल हैं, कृमि के समान जीव होते हैं, श्वसन इनमें कैसा मिलता है, ट्रेकिया के द्वारा, हमने लिखा है श्वसन में, तो ट्रेकिया किसमें मिलेगा आपको देखने को मिलेगा, ओनाइकोफोरा में देखने को मिलेगा। उत्सर्जन नेफ्रिडिया से मिलेगा, उदाहरण है पेरिपेटस, घुमक्कड़ कृमि, घुमक्कड़ कृमि क्या है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में योजक कड़ी है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, ये चीज़ ओरिजिन में भी आई। तो 4 उपसंग जो छोटे छोटे हैं, जिनमें सबसे पहला ट्राइलोबाइटा है, दूसरा पेंटोस्टोमीडा है, तीसरा टार्डिग्रेडा है, और चौथा ओनाइकोफोरा है, 4 ऐसे छोटे उपसंग जिनसे प्रश्न बन सकता है, वो कौन कौन से हैं, पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए कि ये 6 उपसंग कौन से हैं, क्लियर है, जिसमें आपको 4 तो बहुत, देखिए 2 भी सिंपल है, कभी भी इतनी बड़ी चीज़ होती है उसको बार बार जब हम रिकॉल करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो स्वतः ही याद हो जाती, रट्टाफिकेशन मेथड यूज़ करना ही नहीं पड़ता, आप इस चीज़ को, इन 6 उपसंघ को 5 से 6 बार देखिए, आपको स्वतः याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो ट्राइलोबाइटा पढ़ा, दूसरा पेंटोस्टोमीडा पढ़ा, तीसरा टार्डिगेडा पढ़ा, और चौथा ओनाइकोफोरा, 2 बचे, जिसमें भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो पेंटोस्टोमीडा पढ़ रहे हैं वो याद रखिए, ट्रैकिया में मिल रहा है, अंतः परिजीवी किसके, वो मिल रहा है मैमल्स के, स्तनधारियों के, ये विलुप्त हो चुके हैं। और अगर टार्डिग्रेडा की बात करूँ तो केवल और केवल एक एग्जाम्पल है एकाइनिस्कस, और अगर ओनाइकोफोरा की बात करूँ तो ये 3 बातें हैं, श्वसन ट्रैकिया, स्थलीय जीव है, श्वसन ट्रैकिया के द्वारा मिल रहा है, उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा, एग्जाम्पल पेरिपेटस, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पेरिपेटस, ये बात याद रखिए। आगे 2 बच गए हमारे सामने, एक कैलिसेरेटा और एक मैंडिबुलेटा, कौन कौन से बच गए, कैलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा, तो 2 उपसंग हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, कैलिसेरेटा को देखते हैं या कैलिसेरेटा को देखते हैं, ये क्या है, शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभेदित होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, कॉमन फीचर में बताया है,
फिर मैंने बोला कि सिर तथा वक्ष समेकित, मतलब काफी क्लोजली कंबाइंड होते हैं, काफी नजदीकी से सटे हुए रहते हैं, उस स्थिति में से क्या बोला जाता है, सिरोवक्ष और प्रोसोमा, बता दिया था मैंने। अब फिर हमें यहां क्या सीखना पड़ा, क्योंकि वहां हम कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, सामूहिक रूप से लक्षणों की बात कर रहे थे, यहां पर यह बात होगी कि प्रोसोमा किसमें देखने को मिलेगा, कैलिसेरेटा या चेलिसेरेटा उपसंघ के मेंबर्स में देखने को मिले, जिसमें सिर और वक्ष आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर? तो ये बात याद रहेगी, प्रोसोमो वाली बात, और किसमें, कैलिसेरेटा में। नेत्र एक जोड़ी पाए जाते हैं, चेलिसरी एक जोड़ी, पेडिपल्स चार जोड़ी, चलनपाद पाए जाते हैं। ये कॉमन फैक्ट है, कोई खास बात नहीं है, आपको याद करनी है, मैंने बोला याद ये करने लायक बिंदु है। एंटीना का अभाव होता है, एंटीना मतलब श्रृंगिकाएं की बात कर रहे हैं। श्वसन की बात करें तो क्लोम, ट्रैकिया और बुकलंग्स, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सामने, बुकलंग्स। और मैं आपको फिर भी बता दूं, यहां पर कोई खास इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम मैंडिबुलेटा में पढ़ेंगे ना तब वहां पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि वो हम सामान्य जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं पाए जाते, लेकिन मैंने बोला वो सामान्य जीवन में काफी बच्चे उनको देखते हैं, तो वहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। उत्सर्जन मेलपी की नलिकाओं के द्वारा या कोक्सल ग्रंथियों के द्वारा, अब कोक्सल यहां पे भी है और आगे जब हम बिच्छू पढ़ेंगे तब भी आएगी, तो नाम याद रखना है। नाम कैसे याद रखना है, सिंपल प्रश्न आता है, आर्थोपोडा संघ के प्राणियों में उत्सर्जन पाया जाता है मेलपी की नलिकाओं के द्वारा, कोक्सल ग्रंथिकाओं के द्वारा, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा, चौथा ऑप्शन आता है ऑल ऑफ अबव, मतलब उपरोक्त सभी। प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेलपिगिन टिब्यूल्स हमें काफी कॉमन है, याद रहती हैं, कोक्सल याद नहीं रहेगी, ग्रीन याद नहीं रहेगी। दूसरा एक तरीका है जिसमें मेलपिगिन टिब्यूल्स हटा दी जाए प्योरली ऑप्शन में से, और एक ऑप्शन दिया जाए या तो कोक्सल, बाकी तीन ऑप्शन अलग हों, या एक ग्रीन दिया जाए, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? एक लिंगी जीव है, बता चुके हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आप खुद देखिए, चेलिसेरेटा या कैलिसेरेटा जो उपसंग है अगर इसमें देखते हैं हम, तो एक से दो बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली बात प्रोसोमा वाली बात जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोसोमा किस संघ से रिलेटेड है उस स्थिति, किस उपसंग से रिलेटेड उस स्थिति में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया उत्सर्जन, और कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं, चेलिसेरेटा को हम बांटते हैं, ये चेलिसेरेटा कौन है पहले भी लिख सका हूँ, चेलिसेरेटा एक उपसंघ है। कौन है? चेलिसेरेटा एक उपसंघ है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। और चेलिसेरेटा को तीन जो भागों में बांट रखा है हमने, ये तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये क्लास है, अब ये वर्ग है, ये क्या है, क्लास, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, वर्ग है तीनों, मीरोस्ट्रोमेटा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर उपसंघ का नाम दे दिया जाए और उसमें से एक नाम उपसंघ का हो, तीन नाम क्लास के हों, तो इस समय हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग केवल इनको नामों को रटने में लगा रहेगा, और नाम देखकर हमें ये तो लगेगा कि ये पड़े हुए हैं, लेकिन हम उस समय राइट एट दैट सिचुएशन हम ये कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्लास कौन सी है और उपसंघ कौन सा है। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस करवा रहा हूँ कि उपसंघ क्या है और क्लास क्या है। तो क्लास पहली बार आपको चेलिसेरेटा में देखने को मिली है, मैंडिबुलेटा में काफ़ी मिलेंगी, लगभग छः क्लास हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि तीन क्लास किस में आए हैं, चेलिसेरेटा या कैलिसेरेटा में। मीरोस्ट्रोमेटा जलीय जीव होते हैं, श्वसन गिल्स के द्वारा देखने को मिलेगा, बुकलंग्स के द्वारा देखने को मिलेगा, उत्सर्जन कॉक्सल ग्रंथि। अब देखिए पहली बार स्पष्ट रूप से क्लियर, चेली या कैलिसेरेटा के मीरोस्ट्रोमेटा में उत्सर्जन आपको कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। उदाहरण इसका लिमुलस, किंग क्रैब भी जिसे कहते हैं, शू क्रैब, जीवित जीवाश्म को बोला जाता है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए कि लिमुलस इज ए मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, इतना सा तो याद रहेगा हमें। आगे चलते हैं, एरेक्निडा में देखते हैं, श्वसन ट्रैकिया या बुकलंग्स के द्वारा देखने को मिलेगा, उत्सर्जन कॉक्सल व कुछ में आपको मेलपिगिन टिब्यूल चाहिए, मेलपिगिन नलिकाओं के द्वारा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। उदाहरण देखते हैं बिच्छू, जिसे पेलेनियल या पेलेनियस बोलते हैं, जरायु है ये, लाइकोसा जिसे भेड़िया मकड़ी कहते हैं,
सोल्टिकस कूदने वाली जंपिंग मकड़ी जिसे कहते हैं, एजिलिना कीप जाला मकड़ी कहते हैं, और फोल्कस घरेलू मक्खी कहते हैं। अब इनको देखते हैं ये क्या है। ये प्रश्न काफी कम बनने की संभावना है कि आपको मेंबर देके पूछा जाए कि ये किस उपसंघ के हैं या किस क्लास के हैं, बहुत कम संभावना है ऐसा प्रश्न बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी इनको देखकर ऐसा तो लग, क्योंकि ये एग्जांपल हम बार बार पढ़ेंगे तो इतना सा तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम किसी संघ को बार बार पढ़ते हैं ना, अगर इसे से पूछा जाए बिच्छू किस संघ का प्राणी है, या मान लीजिए आपको लाइकोसा पूछा जाता है, अगर वो ही रिकॉल ना हो तो फिर ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना सा तो हमें पता होना चाहिए मेंबर देख कर कि कौन से संघ का प्राणी है। पिक्नोगोनिडा समुद्री मकड़ियों को क्या इसका मेंबर है, और उदाहरण निम्फोन है और पिक्नोगोनम है। इस तरह से हमने कितने 5 उपसंघ पढ़ लिए। सबसे लास्ट वाला जो उपसंघ बचता है, और वो उपसंघ कौन सा है, वो उपसंघ मैंडिबुलेटा है। तो लास्ट जो उपसंघ आता है हमारा मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को देखते हैं, सिर वक्ष तथा उदर में विभेदित कोई नई बात नहीं है, कॉमन बात हम पहले भी बात कर चुके हैं, श्वसन ट्रैकिया गिल्स के द्वारा, उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा और मेलपी की नलिकाओं के द्वारा। अब आप खुद सोचिए, ग्रीन ग्रंथियां फर्स्ट टाइम आई है ना, तो ग्रीन ग्रंथियां आ सकती है। ऐसे आप एक तरीका होता है पढ़ने का, उसे आप याद करिए, उसे समझिए कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है। ऐसे नहीं पूरा रट लिया हो, कोई काम नहीं आएगा। ग्रीन ग्रंथियां पहली बार कहाँ आपने देखी, मैंडिबुलेटा में देखी। एकलिंगी जीव है, लार्वा अवस्था उपस्थित। अब इससे पहले लार्वा उपस्थित अनुपस्थित था, लेकिन मैंडिबुलेटा में लार्वा उपस्थित है क्लियरली। अब इसको आगे देखते हैं तो 6 क्लासेस में हम इसे बांट सकते हैं। मैंडिबुलेटा की कितने क्लास है, 6 क्लास। मैं लिख देता हूं यहां पर 6 क्लास, 6 क्लास या 6 वर्गों में इसे बांट सकते हैं। कौन कौन से वर्ग देख लेते हैं अभी। सबसे पहला वर्ग आता है हमारा क्रस्टेशिया। पहला वर्ग कौन सा आता है, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में क्या है, ये जलीय जीव है। बाह्य कंकाल होता है जो कैल्शियम लवण या कैल्शियम कार्बोनेट या काइटिन का बना होता है। श्रृंगिकाएं 2 जोड़ी, श्रृंगिकाएं मतलब एंटीना, मैंडिबल्स 1 जोड़ी, मैक्सिला 2 जोड़ी, ये कॉमन चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। हमने प्रारंभिक में मतलब कॉमन फीचर्स लिखे तब भी पढ़ा है कि मैंडिबल्स में मिलेंगे और एंटीना भी मिलेंगे, कोई नई बात नहीं है। नई बात अब है जो आने वाली है, क्या, हीमोसाइनिन। हमने लिखा था ना कि वैसे श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते, लेकिन हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा वर्ग कौन सा, उपसंग कौन सा, क्लियर है। हीमोसाइनिन कहाँ मिलेगा, क्लियर। श्वसन सामान्य सतह या गिल्स के द्वारा, परिवर्धन कैसा मिलेगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा उपस्थित, बात कैसे ही पकड़ लीजिए, अप्रत्यक्ष बोल दीजिए या लार्वा उपस्थित है, बात एक ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, पैलीमोन झींगा मछली जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, नोप्लियस इसके लार्वा अवस्था का नाम है। झींगा मछली की लार्वा अवस्था का नाम क्या है, नोप्लियस, नहीं है इंपॉर्टेंट। स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है तो देखा जा सकता है, नेगलेक्ट ना करें। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना लेवल नहीं आता, बुक्स में भी नहीं होता, क्योंकि और आपके जो पेपर बनेगा वो RBSE और NCERT की बुक्स पे बेस होगा। कैंसर जिसे क्रैब केकड़ा कहते हैं, इसका जो लार्वा अवस्था होती है उसका नाम होता है जोइया लार्वा। हर्मिट क्रैब जिसे साधु केकड़ा भी कहते हैं। बस हमें सिर्फ याद क्या करना है, हमें हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना सा याद करना है कि इनके मेंबर्स को हमें इतना सा पता होना चाहिए कि क्या लोकेशन है इनकी, इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं। ये एक दो एग्जाम्पल लिख के भी हम आगे बढ़ सकते थे। तो हर्मिट क्रैब कौन हो गया, साधु केकड़ा। पैराटेलफूसा स्वच्छ जलीय केकड़ा है। डैफनिया जल पिस्सू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ गई, अनिषेक जनन। डैफनिया है, जल पिस्सू है, इसमें अनिषेक जनन मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस मिलता है। साइक्लोप्स, अब ये देखिए साइक्लोप्स किसको बोलते हैं, 100 पत्नियों का पति है ये साइक्लोप्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब दिया जाने वाला प्रश्न है, 100 पत्नियों का पति किसे कहा जाता है, साइक्लोप्स को कहा जाता है। अब ये फ्रीलांस स्वतंत्र प्रश्न है। नेक्स्ट सेक्यूलाइना केकड़े का परजीवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि 90% तो ऐसे इतने डेप्थ में आते नहीं, लेकिन नकारा नहीं जा सकता, हम बोल नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है, साइक्लोप्स किसे मतलब क्या है, सौ पत्नियों का पति किसे कहते हैं, साइक्लोप्स को कहते हैं।
और सेक्यूलाइना केकड़े का परजीवी जो होता है वो क्या होता है, सेक्यूलाइना होता है। तो इस तरह से पहली क्लास जो है क्रस्टेशिया फिनिश होती है। दूसरे क्लास की बात करते हैं, इसमें दूसरे क्लास आती है डिप्लोपोडा। दूसरी क्लास कौन सी है? डिप्लोपोडा। और तीसरी कौन सी है? चिलोपोडा। डिप्लोपोडा कैसे होते हैं? जलवासी होते हैं। कैसे होते हैं? जलवासी मतलब जल होता है तब ये होते हैं, जल में भी मिलते हैं लेकिन जल की उपस्थिति, अभी देखिएगा एग्जाम्पल देख के आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। उदाहरण इसका जूलस या मिलीपीड, जिसे सहस्त्रपादी भी, ये इसी के नाम है सारे, इसी के नाम है, अलग नहीं है। जूलस बोल सकते हैं इसे, मिलीपीडी बोल सकते हैं इसे, सहस्त्रपादी बोल सकते हैं। सहस्त्रपादी मतलब हजारों पैर पाए जाते हैं इसमें, गुजरी से बोला जा सकता है। ये क्या है देखकर आपको लग रहा है आपने इसे देख रखा है? लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में इसे आप गजई के नाम से जानते हैं। और आप देखिएगा किस समय आती है, ये बारिश के मौसम में आती है। तो इसलिए हमने पहले ही लिखा जलवासी, काफ़ी जल की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। इससे पहले और आपको सर्दियों में गर्मियों में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नाम हमें पता होना चाहिए इसका, क्या सहस्त्रपादी से बोलते हैं, जूलस से बोलते हैं। अब ये मिलीपीड, देखिए दो नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे, एक मिलीपीड और एक सेंटीपीड। उधर सेंटीपीड है जिसे आप स्थानीय भाषा में कंछड़ा बोलते हैं, क्लियर? तो दोनों में क्लियर होना चाहिए कि क्या है, सेंटीपीड कौन है और मिलीपीड कौन है, क्लियर है? तो ये मिलीपीड है जिसे आप स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे आप गजई के नाम से भी जानते हैं। याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्लियर है कि गजई किसकी मेंबर है? डिप्लोपोडा क्लास की। और डिप्लोपोडा किस में आता है? मैंडिबुलेटा में आता है, क्लियर है? दूसरा देखते हैं चिलोपोडा, इसका एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड शतपादी, या इसी को आप कनखजूरा बोलते हैं, जियोफिलिस और लिथोवियस। ये क्या है? इसे आप कंछड़ा बोलते हैं। और ये कौन है? ये सेंटीपीड है, स्कोलोपेंड्रा है, क्लियर है? कंछला देख रखा है सबने। तो ये इसका प्रोमिनेंट मुख्य मेंबर है, मुख्य सदस्य है, किसका? चिलोपोडा का। चिलोपोडा क्या है? चिलोपोडा क्लास है। चिलोपोडा क्या है? क्लास है। अभी देखिए एक प्रश्न आता है, सबसे सिंपल प्रश्न है, देखिए सेंटीपीड शतपादी, वॉट एवर जो भी आप समझें, शतपादी का निम्न में से संबंध है, ऑप्शन देखिएगा। अगर मैं ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोलूंगा तो काफी आसान हो जाएगा, दूसरा, जो दूसरे चार ऑप्शन बनते हैं वो सुनिए। पहला ऑप्शन आता है मैंडिबुलेटा, दूसरा ऑप्शन आता है चिलोपोडा, तीसरा ऑप्शन आता है आर्थ्रोपोडा, और चौथा ऑप्शन आप कुछ भी मान लीजिए जैसे डिप्लोपोडा। क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं लिख रखा, ना कोई उपसंग पूछा ऊपर, ना कोई क्लास पूछी ऊपर, सीधा सीधा उन्होंने लिखा क्या, सेंटीपीड का संबंध निम्न में से है। क्या क्या बोला? चिलोपोडा, मैंडिबुलेटा, आर्थ्रोपोडा और एक डिप्लोपोडा। 90% या जितने भी परसेंट आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आर्थ्रोपोडा पे जाएंगे। कुछ को कुछ याद आएगा लेवल, मैंडिबुलेटा पे जाएंगे। लेकिन जिसको अच्छे तरीके से जिसने पढ़ रखा है ना, वो समझ जाएगा आर्थ्रोपोडा फाइलम है, मैंडिबुलेटा सब फाइलम है और चिलोपोडा क्लास है। तो सबसे जो लोअर लेवल है वो चिलोपोडा है, तो चिलोपोडा इस स्थिति में राइट आंसर होगा। ऊपर के दो गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के बेस पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो चिलोपोडा माना जाएगा इस स्थिति में। और कोई क्लासों के नाम दिए जा सकते हैं, सिंपल में बात करूँ, और कुछ क्लासेज अदर फाइलम्स की क्लासेस को ऐड करके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि लेवल क्यों याद करना पड़ेगा। आर्थ्रोपोडा याद आएगा आपको, उस समय लगेगा कि राइट है, मेंबर है, मना कब कर रहे हैं मेंबर। लेकिन जो ऑप्शन है वो डिसाइड करते हैं कि आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इस समय चिलोपोडा राइट माना जाएगा, जबकि ऑप्शन मैंडिबुलेटा भी राइट है, आर्थ्रोपोडा भी राइट है, लेकिन इस स्थिति में गलत है, वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम आप 6 उपसंग, और इनकी जिसमें मैंने आपको बोला 6 उपसंग में 4 उपसंग तो बहुत छोटे हैं, 2 उपसंग ऐसे हैं जो आपको थोड़े से पढ़ने हैं, क्लियर है? तो ये हो गया चिलोपोडा, हो गया, आगे चलते हैं। चौथा आता है इंसेक्टा, कीट।
एग्रीकल्चर वाले बच्चे काफ़ी अच्छे से जानते हैं इस वर्ग के बारे में, इंसेक्टा, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऐसा आपने एक चैप्टर है उसमें पढ़ रखा है। तो इंसेक्टा किस लेवल पे है, अब आप उस चैप्टर को याद कीजिए और इसे याद कर लीजिए कि आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में 6 सब फाइलम है, 6 उपसंग है, उसमें एक उपसंग मैंडिबुलेटा है, उस मैंडिबुलेटा में 6 क्लास हैं और एक क्लास है इंसेक्टा, जिसमें आप ये सारे कीट पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, उत्सर्जन यूरिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? यूरिक अम्ल के द्वारा। इसलिए मैंने बोला था उत्सर्जन दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक यूरिक अम्ल और एक अमोनिया। अमोनिया जब बात की जा रही है तो वो मोस्टली जलवाशी में देखने को मिलेगा, जलीय प्राणियों में देखने को मिलेगा। नॉर्मली यूरिक अम्ल है, उदाहरण है, ये सारे उदाहरण हैं आपको और भी हैं एग्जाम्पल, देखिए कौन कौन से। पहले इन एग्जाम्पल्स को देखिए, मधुमक्खी है, मच्छर है, क्यूलेक्स है, एडीस है, एनाफिलीस है, दीमक है, मस्का है, घरेलू मक्खी है, लाख का कीट है, पेरिप्लेंटा कॉकरोच है, सिस्टोसर का ग्रिगेरिया जिसे आप क्या बोलते हैं, ये राम जी की गाय के नाम से भी जानते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, या जिसे आप क्या बोलते हैं उसे, ग्रास ऊपर। और दूसरे हैं जू, साइमेक्स, लैप्सीमा, जीनोप्सीमा। इससे पहले जो स्लाइड में आपने देखे, जितने भी आपने देखे, मच्छर, मक्खी, जो भी मधुमक्खी, जितने भी एग्जाम्पल देखे, आपने नोटिस किया होगा कि उन वो सारे एग्जाम्पल वही हैं जिनमें पंख हैं, विंग्स अवेलेबल हैं, पाए जाते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है, इनमें से कुछ भी नहीं सुना होगा। जू तो आपने देख रखी होगी अच्छी तरीके से, पेडिकुलस आपने अच्छे तरीके से देख रहे, क्या उसमें पंख पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते ना। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंसेक्टा जो क्लास है, उस क्लास में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला टेरिगोटा, टेरिगोटा, टेरिगोटा से मतलब क्या है, वे इंसेक्ट्स जिनमें पंख पाए जाते हैं, और एप्टेरिगोटा जिनमें पंख नहीं पाए जाते, पंख विहीन होते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये किसी भी प्रकार से प्रश्न बने, मैं बार बार, ये कोई डेप्थ का प्रश्न नहीं है, ये किसी भी प्रकार से बने, टेरिगोटा किसे कहते हैं, पंख युक्त इंसेक्टा किस में शामिल किए जाते हैं, निम्न में से टेरिगोटा का एग्जाम्पल क्या है, कुछ भी किसी भी टाइप का प्रश्न बने, लेकिन मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी कि टेरिगोटा उसे कहेंगे जिनमें पंख पाए जाते हैं। और जितने भी एग्जाम्पल हैं, इतनी सी तो मैं आपसे आशा रख सकता हूं कि किन में पंख पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते, ये आप जानते हैं, क्लियर है? तो टेरिगोटा पंख वाले हैं, जैसे मधुमक्खी है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रब क्या है? देखिए कुछ के मैंने सामने लिख रखे हैं, वो इसलिए लिख रखे हैं आपको लार्वा अवस्था है। अगर आप 12th की एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बुक भी देखेंगे ना, तो उसमें ग्रब शब्द आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मधुमक्खी की लार्वा अवस्था का नाम ग्रब है। आप डोमेस्टिका को देखेंगे तो आपको मैगट काफ़ी जगह आपको छोटे क्लासेस में लिखा हुआ मिलेगा, मैगट लार्वा अवस्था। लेकिन हमारा दिमाग कभी भी उसे इस तरह से नहीं देखता कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी लार्वा अवस्था का नाम निम्न में से कौन सा है, तो मैगट रिकॉल कर सके। हमें आता है लेकिन हम रिकॉल नहीं कर पाते, क्लियर है? मैं इसीलिए मैंने लिखा है, हालांकि मैंने सबके नहीं लिखे, क्योंकि कुछ जो हमारे इस लेवल पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। मधुमक्खी की लार्वा अवस्था को ग्रब कहते हैं, मच्छर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने लिख रखा है। टिम्बलर तो इसकी मच्छर की प्यूपार अवस्था का नाम है, और रिगलर मच्छर का लार्वा है। रिगलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कुछ स्थानों पर, जैसे न्यूज़पेपर में भी कई बार आ जाता है, या आप मच्छर को पढ़ रहे हैं या नॉर्मली आप आर्थ्रोपोडा को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आ जाए कि निम्न लार्वा अवस्थाएँ पाई जाती हैं, ग्रब है, रिगलर है, तो दिमाग में प्रश्न होता है कि रिगलर किस की लार्वा अवस्था का नाम है, तो मच्छर की लार्वा अवस्था का नाम रेगुलर होता है। ओके, क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स वही है, कौन सी, सीसी मक्खी जिसे बोलते हैं आप, जो क्या है, एक वाहक, याद रखिएगा। एडीज मच्छर अच्छे से जानते हैं आप, एनाफिलीज मच्छर अच्छे से जानते हैं आप, दीमक, टर्माइट अच्छे से जानते हैं आप, मस्का डोमेस्टिका, देखिए मैंने लिखा है इसका मैगट लार्वा अवस्था, औरों का नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये कॉमन मेंबर हैं जिनके लार्वा अवस्था पूछे जा सकते हैं, या हम अभी तक 12th लेवल तक जितनी क्लासेस को देखते हैं तो उनमें सामान्य स्तर के प्रश्न पे आ जाता है मैगट लार्वा अवस्था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ओरिजिन, उद्भव या उत्पत्ति वाला चैप्टर देखिए, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैगट लार्वा अवस्था का नाम लिखा हुआ है,
लेकिन हम कभी उसे इस तरह से देखते नहीं है कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि मधुमक्खी की लारावस्था का नाम क्या है, तो मैगट हमारी आंखों के नीचे होगा, लेकिन हम राइट नहीं कर पाएंगे। तो मैगट लारावस्था, लार्क कीट, ब्लैक कल्चर आपको पता है, पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा मतलब कॉकरोच की बात की जा रही है, और सिस्टोसरका ग्रिगेरिया आपको पता है किसको बोलते हैं, ग्रास ऊपर को बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये तो पंख वाले हो गए। अब जिनमें पंख नहीं पाए जाते उनको क्या बोलते हैं, एप्टेरिगोटा। पीछे वाले कौन से थे, टेरिगोटा। कौन कौन है, जू है, साइमेक्स है, लैप्सिमा है, जिनोप्सिला है। अब देखिए, अब आपको ये कहूँ मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मेंबर याद नहीं करने, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्यों याद नहीं करने, क्योंकि इतने गहराई से प्रश्न बनता नहीं है, अतः है इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, क्यों लिख रखे हैं, मैं फिर वही बात कहूँगा, ट्वेल्थ की एग्रीकल्चर बायोलॉजी की किताब निकालिए, उसमें परजीवी कीट, परजीवी जीव के नाम से एक चैप्टर है लास्ट में, उसमें आपको पिस्सू मिलेगा, और पिस्सू में आपको 100% जिनोप्सिला लिखा हुआ मिलेगा। चूहा पिस्सू है, प्लेग रूप फैलाता है, उसमें लिख रखा है इसका नाम। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें या कुछ बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से प्रश्न आता है, कई बार हम सोचते हैं ना कि ये तो अनलिमिटेड है, क्या चीज़ याद करनी है, तो हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारी किताबों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे रखी। इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट हो गया, और जो आप जानते हैं इस संदर्भ में मैंने आपको बोला था कि इसमें पंख नहीं पाए जाते, जबकि है किसकी मेंबर, ये इंसेक्टा की मेंबर है। आगे देखते हैं, लास्ट मैंडिबुलेटा के लास्ट दो छोटे छोटे क्लासेस हैं, एक सिम्फाइला और एक पारोपोडा। छोटे क्लास हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आपको बताना चाहिए। सिम्फाइला के सारे भूमिगत सदस्य होते हैं, नेत्र इनमें पाए जाते नहीं। एग्जाम्पल स्क्यूटी ज़ेरेला है, क्या नाम, क्या एग्जाम्पल है, स्क्यूटी ज़ेरेला। और पारोपोडा को देखें तो स्थलवासी हैं और एग्जाम्पल पारोपस है, और कोई खास बात इनमें नहीं है। तो इस तरह से हमने किसके बारे में बात की, हमने आर्थोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की कि आर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने दिखाया। मैंने बोला कि 6 उपसंग पाए जाते हैं, 6 उपसंग में 4 उपसंग आपके सामने हैं बोर्ड पे, बहुत आसान हैं, बहुत छोटे हैं, और उनमें से भी आपको 6 के 6 नाम तो याद करने हैं, और किस में क्या याद करना है ये मैंने आपको बताया है। जैसे पहला जो सब फाइलम आता है, उपसंग आता है, उसमें मैंने बोला ट्राइलोबाइटा, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बोली ट्राइआर्थस, और दूसरे अगर आपको याद रखनी है तो विलुप्त, जिसके चांसेस कम हैं, स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। सेकेंड बात आती है पेंटोस्टोमिडा, पेंटोस्पोडा में मैंने आपको सिर्फ इस बिंदु के लिए बोला है कि ट्रैकिया में मिलेगा, मैमल्स में मिलेगा, परजीवी अंतःपरजीवी है। नेक्स्ट टार्डिग्रेडा में एकाइनिस्कस, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इसका नाम इंपॉर्टेंट है टार्डिग्रेडा। और ओनाइकोफोरा, ये फोर्थ सब फाइलम है, जो छोटा सब फाइलम है, हमारे इस लेवल पर छोटा है, हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ ये योजक कड़ी के बारे में याद रखना है, और कोई बात हमें याद नहीं रखनी, क्लियर है। तो आपको पेरिपेटस याद रहेगा। इसके बाद में दो सब फाइलम बचते हैं, एक चैलिसरेटा और एक मैंडिबुलेटा। सबसे पहले देखते हैं, छोटा है मैंडिबुलेटा, काफ़ी बड़ा है, चैलिसरेटा को देखते हैं। चैलिसरेटा में मैंने सारी बातें की, मैंने आपको बोला सिर्फ आपको एक प्रोसोमा वाली बात याद रखनी है, सिर, वक्ष, एंटीना, श्वसन, उत्सर्जन, एकलिंगी, प्रत्यक्ष, ये सारी बातें हम पहले कर चुके, लेकिन हम यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया। चैलिसरेटा को 3 क्लासों में बांटा गया है, कौन कौन सी हैं, 3 क्लास हैं, मीरोस्टोमेटा, एरेक्निडा और पिकनोगोनिडा। नाम पता होने चाहिए, क्या नाम पता होना चाहिए कि मीरोस्टोमेटा कौन है, एरेक्निडा कौन है, पिकनोगोनिडा कौन है, ये तीनों के तीनों क्लास हैं, किसकी क्लास हैं, ये चैलिसरेटा या कैलिसरेटा के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली 3 क्लास हैं। तो चैलिसरेटा में 3 क्लास हमने पढ़ी, कौन कौन सी, मीरोस्टोमेटा, एरेक्निडा और पिकनोगोनिडा, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, और कोई खास बात नहीं है। खास बात अगर आपको लगे तो क्या सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी कॉमन प्रश्न पूछ के बनाया जा सकता है। जैसे बिच्छू है, आम दैनिक जीवन में जानते हैं, देखते भी हैं, बिच्छू निम्न में से किसका सदस्य है, बिच्छू किसका सदस्य है, एरेक्निडा का है, क्लियर। पहली बात, किसका सदस्य है, देखिए कहाँ है, ये रहा पहली बात। दूसरी, इसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आपने पूरा पढ़ लिया फिर भी उलझ जाएंगे हम, बिच्छू में श्वसन किसके द्वारा होता है, बुकलंग्स के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा, तो बुकलंग्स है, देखिए
ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी। प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है हमारे सामने, हमें आर्थोपोडा में श्वसन किस तरह से होता है पता है। अब ऐसा नहीं कि और किसी का पूछेगा, आपको लगे कि ऐसे पूछा जाए आपसे कि सोल्टेकस में श्वसन किस तरह से होता है, बहुत कम चांस है। लेकिन बिच्छू में श्वसन किस तरह से होता है, चांस बनते हैं। अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों मेंबर हैं, एक ही क्लास के मेंबर हैं, एक ही सब फाइलम के मेंबर हैं। लेकिन प्रश्न क्या बनने की संभावना है, वो आसान बनने की आसानी है इस स्थिति में। अब ये बातें हो गई तो आपको याद रखना है उत्सर्जन और श्वसन, इससे रिलेटेड बात। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। लास्ट जो आता है हमारे पास आता है मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा में आपको बता दिया, सिर वक्ष, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बताई थी कि ग्रीन ग्रंथियां और कॉक्सल ग्रंथियां किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये पूछने लायक प्रश्न है। इसकी छह क्लास की बात करते हैं। छह क्लास में सबसे पहली क्लास आती है वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में सारी बातें हमने कर ली। मैंने बोला हीमोसाइनिन आपको याद रखना है, ये बोला था मैंने। कॉमन कैरेक्टर पढ़ाते वक्त भी बोला था श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते लेकिन कुछ में पाया जाता है, जैसे कि हीमोसाइनिन। और जितनी भी बातें हैं इसमें साइक्लोप्स है, सेक्युलाइना है, ये इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें मैंने अंडरलाइन या ओवर कर रखी हैं लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनना काफ़ी कम लगता है। आगे चलते हैं। डिप्लोपोडा और चिलोपोडा मैंने आपको बता दिया, अगर प्रश्न बनता है क्योंकि आसान है, आम इसके मेंबर हैं जो आम दैनिक जीवन में आते हैं। और मैंने आपको बोला था अभी अभी एक सामान्य प्रश्न दिया था कि सेंटीपेड निम्न में से या सेंटीपेड का निम्न में से किससे संबंध है, आर्थोपोडा, मैंडिबुलेटा, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। तीन बातें सही हैं लेकिन आंसर हमें ही करना है, चिलोपोडा राइट आंसर है। ऑप्शन को देखकर हमें डिसाइड करना है कि आंसर क्या होगा। तो इसलिए सेंटीपीड और मिलीपीड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंटीपीड क्या है और मिलीपीड क्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी आपको याद रहेगा लेकिन बाद में आपको खुद को याद नहीं रहेगा कि सेंटीपीड कौन है, कंचला है या गजाई है। कॉमन नेम स्थानीय भाषा में भी मैंने आपको बताए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कौन से क्लास से संबंधित है, क्योंकि मैं इतना लेवल में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अप टू क्लास लेवल, मतलब आपको वर्ग के स्तर तक आकर बात करनी है। प्रश्न वो बनाएं उनकी इच्छा है लेकिन हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लेवल तक बात करेंगे और कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप इस चीज़ को याद करिए। ऐसा नहीं है ऊपर के 10 कैरेक्टर पढ़ के चले गए, वहाँ से एक प्रश्न भी नहीं आना है। ये बात आप, वो तो सिर्फ एक पढ़ाने का पैटर्न है इसलिए वो पढ़ाए जाते हैं। प्रश्न आएगा बिल्कुल स्पष्ट जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू ना जनरेट हो, इस तरह से। आगे चलते हैं। इंसेक्टा ये पढ़ा दिया मैंने आपको, बोला यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, टेरिगोटा और एप्टेरिगोटा। टेरिगोटा पंख वाले, एप्टेरिगोटा पंख विहीन। अब पंख विहीन और पंख वाले कौन से होते हैं ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये क्विक रिवीजन है इसलिए मैंने आपको लिया है। कुछ बातें जो मैंने आपको अंडरलाइन की है कि मैगट है, इसके अलावा ग्रब है या रेगुलर है, इन लार्वा अवस्थाओं पर भी आप फोकस कीजिएगा। इसके अलावा दो एग्जाम्पल आते हैं एप्टेरिगोटा में, एक जू पहला और दूसरा जिनोप्सिला, क्योंकि जू तो सामान्य दैनिक जीवन के आधार पर इंपॉर्टेंट है और जिनोप्सिला आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लिखा हुआ मिलेगा यह नाम आपको। मैंने इन दो के लिए बिल्कुल नहीं बोला कि आप इनको याद कीजिए, आप याद करें तो बेटर है, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनोप्सिला आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की किताब में लिखा हुआ मिलेगा, वो पिस्सू पढ़ रहे हैं इस संदर्भ में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किधर भी दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है आपको लगे कि खूब सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हमें तो याद ही नहीं करने। जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल दो क्लासेज हैं, लास्ट पांचवी और छठी क्लास, सिम्फाइला और पोरोपोडा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास का नाम याद होना चाहिए आपको, क्लियर। ये भूमिगत सदस्य हैं और ये सारे स्थलवासी हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, स्क्यूटी जेरेला और इसका एग्जाम्पल है पारोपस। तो इस तरह से हमने ये सबसे बड़ा फाइलम आर्थोपोडाज पूरा कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर फाइलम से प्रश्न बनता है तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फाइलम है जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनने की संभावना है। यहाँ पर एक दो प्रश्न नहीं, खूब सारे प्रश्न बन सकते हैं। बाकी की क्लासेज में अगर हम देखें ना तो श्वसन उत्सर्जन से लेवल बन के काम खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लास लेवल तक भी प्रश्न बनाया जा सकता है क्योंकि काफ़ी नीचे तक डिवीजन करके बताया गया। आपको मैंने बताया उपसंग क्लास में अच्छी तरीके से आप डिफरेंस कर लीजिएगा कि उपसंग क्या है, क्लास क्या है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
फरिंज।